आदित्य जंकर्स गैस कैलोरीमीटर का प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन बताने जा रहे हैं। आप यहाँ जंकर्स गैस कैलोरीमीटर की पूरी असेंबली देख रहे हैं। जंकर्स गैस कैलोरीमीटर में मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो आपको बाईं ओर नजर आ रहा है वह गवर्नर कहलाता है। गवर्नर जैसा नाम से ही इंडिकेट होता है, ये गैस फ्लो को गवर्न करने के काम में लिया जाता है। बीच के अंदर ये गैस फ्लो मीटर है जो गैस इसमें पास होती है, इसकी रीडिंग फाइंड आउट करता है। जितनी गैस फ्लो मीटर से पास होती है वह डायरेक्ट इसमें रीडिंग आ जाती है। जो नीडल इसमें घूमती है वह एक राउंड के अंदर एक लीटर गैस कंज्यूम करती है। तीसरा मेन इंस्ट्रूमेंट की बॉडी, जिसे जंकर्स बॉडी बोलते हैं, ये बॉडी आपको सामने नजर आ रही है। इसमें नीचे गैस बर्नर फिट किया हुआ है। गैस बर्नर गलने से जो इनसाइड वाटर होता है वो गर्म किया जाता है। इसके अंदर मुख्यतः पानी का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर नोट किया जाता है। दो थर्मामीटर्स आप देख रहे हैं ऊपर लगे हुए हैं। इसमें एक में इसका इनिशियल टेम्परेचर आता है, दूसरे का फाइनल टेम्परेचर आता है। दोनों का डिफरेंस इसमें जो फार्मूला है उसमें ऐड किया जाता है। जो पानी गर्म होकर के इधर बाहर आता है वह जार से मेजरमेंट कर लिया जाता है और उसको कैलकुलेशन में काम में लिया जाता है। एलपीजी गैस की कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसको एलपीजी गैस के सिलेंडर से पाइप को कनेक्ट कर दिया है। इसके पास में एक कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व से इसको ओपन करने से गैस फ्लो मीटर के अंदर जाना शुरू हो जाती है। फ्लो मीटर की रीडिंग नीडल धीरे धीरे रोटेट हो रही है, यानी कि गैस फ्लो मीटर से मेन जंकर बॉडी के बर्नर के पास में पहुंच रही है। पहले गवर्नर को ध्यान से देखें। गवर्नर के अंदर गैस पास हो रही है। इसमें पहले अंदर पानी भर लिया जाता है। पानी अधिक होने पर जो राइट साइड के अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू से अधिक पानी होने पर इसको निकाल दिया जाता है। गवर्नर के अंदर कनेक्शन करते समय ये ध्यान रखें, इनलेट और आउटलेट दोनों तरफ लिखा हुआ है। इनलेट के अंदर गैस सिलेंडर से जो पाइप जा रहा है उसको लगाएं, आउटलेट पर फ्लो मीटर से जो पाइप जा रहा है उसे लगाना चाहिए। गवर्नर से पाइप फ्लो मीटर के अंदर ऊपर इनलेट पे लगा हुआ है। इनलेट से आउटलेट की तरफ जो पाइप जा रहा है वह सीधा बर्नर में नीचे कनेक्ट हो रहा है। आपका गैस सिस्टम कंप्लीट रेडी है। अब आपको इस पे पानी का कनेक्शन देना है। आप देख रहे हैं गैस फ्लो मीटर से पास हो रही है, फ्लो मीटर में इसकी रीडिंग आ रही है। अब आप बर्नर को स्टार्ट कर लीजिए, जला लीजिए। यह इसकी लो रहनी चाहिए।
अब इस गैस बर्नर को नीचे यहाँ फिट कर दिया जाता है। वाटर टैंक से एक पाइप का कनेक्शन से जिनके गैस कैलोरीमीटर के अंदर जो दो पाइप लगे हुए हैं उससे एक को कनेक्ट कर दिया जाता है। इनलेट पानी इसके अंदर बराबर आता रहता है। दूसरा पाइप वेस्ट वाटर के लिए है, उधर से वेस्ट वाटर जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वो निकलते जाएगा। ओवरहेड टैंक से जो पानी का कनेक्शन आएगा वो यहाँ इनलेट के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, इससे कंटिन्यूसली पानी अंदर जाता रहेगा। जब अंदर पानी पूरा फिलअप हो जाएगा तो बाहर आउटलेट से पानी आना चालू हो जाएगा। इधर से पानी बराबर बाहर वेस्ट वाटर जाता रहेगा। जब गर्म पानी अंदर होगा तब आप इस पे रिसीवर में इससे कलेक्ट करें और ये बराबर मेजरमेंट करते रहें। पानी का मेजरमेंट जितना वॉल्यूम पानी आप गर्म पानी इसमें से निकलता है वो नोट करेंगे और साथ ही फ्लो मीटर पर जो गैस का फ्लो हुआ है वो रीडिंग नोट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं दो थर्मामीटर्स लगे हुए हैं, एक में जो कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है उसका टेम्परेचर नोट हो रहा है, दूसरे में जो गर्म पानी हो रहा है उसका टेम्परेचर नोट हो रहा है। दोनों थर्मामीटर्स की आप रीडिंग नोट रखें, इन्हीं रीडिंग से गैस की कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के काम में आएगा। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तब नीचे से जो वाटर कॉक लगा हुआ है इधर से पानी अंदर का जो पानी होता है वो वेस्ट पानी बाहर निकाल दिया जाता है। गैसेज के निकालने के लिए ये मीटर लगा हुआ है, इससे आप गैस को बाहर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं इससे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैस आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें V.W जो पानी का वॉल्यूम हमने मेजर किया है लगा दिया जाता है, T2 माइनस T1 जो थर्मामीटर्स पे रीडिंग आई है वह इसमें डिफरेंस ऐड कर दिया जाता है, डिवाइडेड बाय VG वॉल्यूम ऑफ गैस जो गैस फ्लोमीटर से जितने लीटर्स गैस पास हुई है वह गैस का वॉल्यूम यह फाइंड आउट करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर गैस आसानी से पता लग जाती है। इसमें एक प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, गैस फ्लोमीटर में जब भी अगर रीडिंग नहीं आ रही हो, मीटर नहीं घूम रहा हो तो पानी का लेवल जो आप देख रहे हैं दाईं तरफ इस इंडिकेशन से ऊपर पानी रहना चाहिए। अगर पानी नीचे रहेगा तो यह फ्लोमीटर की रीडिंग वर्क नहीं करेगी। गवर्नर में पानी यहाँ ऊपर से फिलअप किया जाता है, पानी यहाँ भरते रहे जब तक इधर साइड से जो नट लगा हुआ है इसमें से बाहर निकलना चालू नहीं हो जाए। इसी प्रकार पानी साइड से जो ग्लास ट्यूब लगी हुई है उस तरफ से फिलअप किया जाता है, पानी फिलअप करते रहे और ये जो लेवल आप देख रहे हैं इस लेवल तक इसमें पानी भरे। यदि पानी ज्यादा भर जाता है तो पीछे इसका इसे बाहर निकाला जा सकता है। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद में इस बात का जरूर ध्यान रखें फ्लो मीटर में से और जंकर्स गैस कैलोरीमीटर में से जो भी पानी बचा हुआ है उसको सारा बाहर निकाल दें।